हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विद वन मोर जॉब वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू। ये देखिए वैकेंसी कहाँ पे आया है, NADFI में वैकेंसी आया। इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आया है। ओके ओके, यहाँ देखिए वैकेंसी है। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट की गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर। बाय क्लिकिंग दैट लिंक यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट की हिमांशु रंजन क्लासेस अब इंग्लिश और जीके जो करंट अफेयर्स होता है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी आता है, एवरीथिंग हम लोग आप प्रोवाइड करेंगे हिमांशु रंजन क्लासेस पे। अब आपको इंग्लिश का भी प्रिपरेशन से रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा, और जो जीके का पोर्शन होता है जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जो करंट अफेयर्स होता है, सो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर इंग्लिश का सिर्फ परचेस करना तो 100 रुपीज में आप इंग्लिश का पूरा नोट्स परचेस कर सकते हो, जिसमें कि आपको जो भी इंग्लिश का सिलेबस होता है सो आपको सारा कुछ मिलेगा। और जो जीके होता है, जो पूछा जाता है पीएसयू में, इसमें कि आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से भी आता है, इकोनॉमी से भी आता है और करंट अफेयर से आता है। सो अब ये सब भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। ओके, सो इंग्लिश का भी हम लोग ने बहुत नॉमिनल सा चार्ज रखा है 100 रुपीज, और जीके का भी 100 रुपीज। ओके, सो अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन देन यू कैन परचेज दैट नोट्स। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वन मोर जॉब वैकेंसी इज केम इन नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट ये वैकेंसी जो है ये बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए है। इफ यू आर ए फ्रेशर, ओके, तो आपके लिए ये वीडियो है, आप पूरा लास्ट तक देखो। आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। मैं आपको इस वीडियो का लास्ट में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो इसका सिलेबस है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। और एक काम करिए, आप इस वीडियो को ना लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे हमेशा आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट वैकेंसी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे बताया जाता है। ओके, चलिए, जैसे कि बता दिया मैं कि ये वैकेंसी कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है। ओके, सो यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का यहाँ पे वैकेंसी आया है। ओके, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात किया जाए तो टोटल 44 वैकेंसी है। ओके, अनरिजर्व वालों के लिए 19 है, एसटी का 3 वैकेंसी है, एससी का 6 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है। ओके, और पीडब्ल्यूडी 4 लिखा हुआ है। ओके, सो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसीज काफी अच्छा है। ओके, आगे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए एज लिमिट भी देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज भी आता है, आपको एज भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको एज यहाँ पे 21 से लेकर के 30 इयर्स तक मांगा है। ओके, और जो भी आप में रिलैक्सेशन मिलता है कास्ट कैटेगरी वाइज वो आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। ओके, जैसे कि ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का जी रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा है देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/7/2022 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर एजुकेटिव ऑफिसर। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आप ग्रेजुएट हो कोई भी डिसिप्लिन, आप कुछ भी किसी भी चीज से आप ग्रेजुएट हो तो देन यू आर एलिजिबल। ओके, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ओके, सो दिस इज द थिंग्स। एंड और देखिए सीएससी में वालों के लिए भी मेंशन किया हुआ, कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर, और देखिए और क्या लिखा है, और एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री में आल्सो अप्लाई। ओके, सो प्रोफेशनल डिग्री वालों के लिए भी है, ठीक है, सीएससी में का तो नाम यहाँ पे दे दिया है। ओके, सो सही है, सो दिस वैकेंसी इज फॉर फ्रेशर, इफ यू आर ए फ्रेशर देन आल्सो यू आर एलिजिबल। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीड्योर क्या है,
यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है. ओके, बेस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन रिटन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड वैकेंसीज द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड. ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस क्या है. ये सिलेबस तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पर फुल सिलेबस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. ओके, सो आप वीडियो क्लास को जरूर देखिए. आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. ओके, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. आप इस वीडियो को देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि सिलेबस क्या होता है इंग्लिश का, जीके का. आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ओके, जो यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो आपका इंग्लिश, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, सो ये सब होने वाला है. तो आपको घबराना नहीं है. आपको मैं बताता हूँ कि सिलेबस बहुत ही ईजी है और अब से तो हम लोग आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए. आप इंग्लिश का भी परचेस कर सकते हो, इंग्लिश मात्र 100 में परचेस कर सकते हो और जनरल नॉलेज, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस वो भी 100 में परचेस कर सकते हो. मात्र 100 100, मतलब कि 200 में आपको ये दोनों मिल जाएगा. अभी आपको इंग्लिश और ये भी अवेलेबल है, ठीक है. तो अगर आपको परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो आपको परचेस करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल मेंशन किया हुआ. ओके, डिटेल सिलेबस आपको मैं बताऊंगा कुछ ही देरों में. ओके, यहाँ पे देखिए पहले ये बता देता हूँ, द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहने वाला है. टोटल ड्यूरेशन का बात किया जाए रिटन टेस्ट का तो 90 मिनट्स का होने वाला है और द लैंग्वेज ऑफ एवब टेस्ट विल भी इंग्लिश में रहेगा. ओके, ए कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द एवब ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन रैंकिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन. और बेस्ट बात है, जो रिटन टेस्ट पास करेगा उसको आगे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में जगह मिलेगा. सो देयर विल बी, आगे देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्क्स है यहाँ पे फॉर रॉन्ग क्वेश्चन. अगर आप रॉन्ग टिक करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यहाँ पे आपको डिटेक्ट होगा अगर आप गलत टिक करते हो. यहाँ पे देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, स्टेट और सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है. सो आप अपना देख लीजिए, आप अपना कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो, फिर आप या फिर कौन सा स्टेट आपके मतलब कौन सा सेंटर आपके घर के आसपास ज़्यादा नज़दीक हो सकता है. सो आपको जो भी नज़दीक लगता है वो आप देख लो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है. एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगने वाला है जनरल वालों के लिए 500, ओबीसी वालों के लिए 300, एससी एसटी वालों के लिए 200, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन फी नहीं देने का दरकार है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है. यहाँ पे अगर आपको मंथली बोला जाए यहाँ पे स्टार्टिंग का, ओके, ग्रोस मंथली इमोलमेंट, मंथली का अगर बोला जाए तो आपको 48,000 है और अगर अप्रोक्सीमेटली आपको इनिशियल बेसिक पे का बात किया जाए तो आपको सीटीसी 6.5 लाख का मिलने वाला है. ओके, एनुअल सीटीसी 6.5 लाख का है. ओके, चलिए आप सिलेबस बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया और अब आपको सिलेबस बता देता हूँ. ये आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस आपसे मेंशन किया. ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जीईओ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है. जनरल इंग्लिश, ओके, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा. जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का पूछा जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको सैनोनियम्स इंग्लिश में क्या क्या है. इंग्लिश में है आपका सैनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, बट स्पेलिंग्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉमन एरर्स एंड कंप्रेहेंशन. इसका प्रिपरेशन आप मेरा नोट से कर सकते हो. ओके, अगर आपको परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, ये आपको मात्र 100 रुपीज में मिलेगा. मात्र 100 रुपीज में आप इंग्लिश का नोट्स खरीद सकते हो और मात्र 100 रुपीज में आप जनरल नॉलेज का नोट्स खरीद सकते हो, ठीक है. फुल प्रिपरेशन आप ये इससे कर सकते हो. 100 में आप इंग्लिश खरीद सकते हो, 100 में जनरल नॉलेज खरीद सकते हो. जनरल नॉलेज में आपका जो सिलेबस में आप मेंशन किया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, जीके ऑन एनईआर, करंट अफेयर्स, अवेयरनेस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. सो जितना भी जो सिलेबस लिखा हुआ है आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग. ओके, हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको, इंडियन हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, सो आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग। ओके सॉरी, जितना भी जो सिलेबस लिखा है वो सभी कुछ हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, वो भी मात्र 100 रुपीज में। आप जनरल नॉलेज खरीद सकते हो, मात्र 100 रुपीज में जनरल इंग्लिश खरीद सकते हो। बहुत ही नॉमिनल मैं फीस रखा हूँ, क्योंकि ये सब बनाने में मुझे काफी समय लगा। इंग्लिश का नोट्स बनाने में मुझे बहुत समय लगा, और जीके का जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, सो आई मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है। सो अगर आपको प्रिपरेशन बेहतर करना है तो आप ये नोट्स को खरीद सकते हो मात्र 100 रुपीज़ पर पेपर। ओके सो इंग्लिश का और जीके का अवेलेबल है, तो आप अगर आपको परचेस करना तो आप आज से ही परचेस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो और आगे देख लीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का है, और रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 25 मार्क्स का है। आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस है। देखिए क्या है कि ये सब जो एक्सेप्ट जो है ये आपको देखना पड़ेगा, और बाकी ये सब जो है दो सौ ये सब जो तो पढ़ने का, इंग्लिश है और जीके सब तो याद करने का, तो खुद से नोट से कर सकते हो। तो जीके और जनरल नॉलेज आप परचेस कर सकते हो मात्र 200 में, आपको दोनों मिल जाएगा, एक जीके और इंग्लिश। ओके तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल्स आर मेंशन कि आप कैसे परचेस कर सकते हो। ओके एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम, वहां पे अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो कि आप कि ये कैसे आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो माय टीम विल हेल्प यू, कि आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे परचेस कर सकते हो। ओके सो अभी आज से आपको इंग्लिश और जीके भी मिलना स्टार्ट हो गया है इस प्लेटफॉर्म पे। ओके सो पीएसयू का तो मिलता ही है, पीएसयू प्रिपरेशन जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स है वो तो मिलता ही है, इसके साथ साथ अब जीके और इंग्लिश भी मिलना स्टार्ट हो गया। ओके सो अगर कोई भी फ्रेंड्स आपके हैं अगर पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश का उनका जरूरत है, पढ़ाई करना है, तो विद द हेल्प ऑफ माई नोट्स वो प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना बेहतर, वो भी बहुत ही मिनिमम से कॉस्ट पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सो आई होप सो कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि आज ही मैंने पहली बार इंग्लिश और जीके लॉन्च किया हूँ, आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। पहली बार आज ही मैं यूट्यूब पे बताया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। सो दिस इज द स्पेशल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम देन यू कैन परचेस दैट इंग्लिश एंड जीके नोट्स। ओके सो इफ यू वांट टू परचेस देन डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ओके सो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।